morning everyone, welcome to the Piti Mehta's English classes. In previous video, we learnt about keeping quiet and that is written by Pablo Neruda. हमने इस poem के 3 stanzas किए थे और इस poem में मैंने आपको theme बताया था live and let live. और आज इसी poem को आगे बढ़ाते हुए हम इसका 4th stanza करेंगे. So, let's do it. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. Wars, यहाँ in this passage, in this stanza, the poet gives us the message that war always bring destruction. Wars जो होती हैं हमारे लिए हमेशा destruction, हमारी society के लिए, हमारी nature के लिए destruction ही लेके आती है. Wars with gas, wars with fire. इससे क्या मतलब है? यानी कि nuclear और atomic bomb से war करने का मतलब है कि ये हमेशा destruction ही लेके आएगी. कभी किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी, कभी किसी के लिए हैप्पीनेस, कभी किसी के लिए पीसफुलनेस नहीं लेके आएगी. अगर हम किसी को हार्म करते हैं तो हमारी भी इनर सॉल जो है वो भी आराम से नहीं बैठ सकती है, वो भी बेचैन होती रहती है. तो इट मीन्स हमने दूसरों को दुख पहुंचाकर, दूसरों को मारकर और स्पेशली इस नेचर को हार्म पहुंचाकर हम अपनी लाइफ में कभी भी हैप्पीनेस और पीसफुलनेस नहीं लेके आ सकते. कहते हैं, यहाँ पॉइंट कहते हैं कि जो ग्रीन वॉर्स से अपनी हर अपना डोमिनेटिंग एटीट्यूड स्थापित करना चाहते हैं, अपने विशेष को पूरा करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कभी भी हैप्पीनेस नहीं आती है. और अगर वो जीत भी जाएंगे विद विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अगर उनको जीत भी हासिल हो जाएगी तो कोई सर्वाइवर बचेगा ही नहीं उस विक्ट्री को, उस जीत का जश्न मनाने के लिए. तो आप कैसे उस जीत का जश्न मनाएंगे? क्या आप किसी को मारकर या इस नेचर को हार्म पहुंचाकर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकते हैं? क्या एक दिन भी उसके बाद आप पीसफुलनेस से बिता सकते हैं? आपके मन में बेचैनी रहेगी, आपके मन अशांत रहेगा. तो इट मीन्स हमें अपनी लाइफ में भी, हमें अपनी डेली रूटीन में भी किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, किसी का मन नहीं दुखाना है, जिससे कि हमारी लाइफ में भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए. ऐसा हमने लाइफ में नहीं करना है. सबको लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो. एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर, यहाँ पे पोइट कहना चाहता है ब्रदर, उस यूनिवर्सल ब्रदरहुड की शेड में हमें चढ़ना है, चलना है, कोऑपरेशन से चलना है, प्यार से चलना है, ब्लेसिंग से लेकर चलना है, एक दूसरे की दुआएं कमानी है, एक दूसरे के साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड हारमनी से चलना है. हेटेडनेस, जेलसी, हमें ऐसे एटीट्यूड से अगर हम रहेंगे तो हम लाइफ कैसे सर्वाइव करेंगे और दूसरों के लिए हम रोल मॉडल कैसे बनकर रहेंगे? तो यहाँ पे यही कहते हैं पोएट कि वॉर्स जो होती हैं हमेशा डिस्ट्रक्शन ही लेकर आती हैं, और हमें अपनी लाइफ में ऐसी क्वालिटीज को इंकुलेट करना चाहिए जो हमारे लिए और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनकर रहे. ऐसी क्वालिटीज को इंकुलेट करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे और दूसरों को भी आगे बढ़ाए, हमारी लाइफ को और भी स्मूथ बनाए. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, हमें लाइफ में क्या चाहिए? अगर हम ऐसे ही लाइफ में हेटेडनेस रखेंगे, जेलस रखेंगे, भीड़ चाल रखेंगे, आजकल लोगों को अपनी क्वालिटीज के बारे में पता ही नहीं होता है कि वो लाइफ में क्या करते हैं. आज उसने ये लेकर आया तो मैंने भी लेकर आना है, आज उसने ये लेकर लिया तो मैंने भी करना है, आज उसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली तो मैंने भी इतनी बड़ी गाड़ी लेनी है, आज उसने बाइक ले ली तो मैंने भी अपने मम्मी पापा को से जिद करके ऐसी ही बाइक लेनी है, आज उसने कॉमर्स लिया तो मैंने भी लेनी है, आज उसने मेडिकल लिया तो मैंने भी लेनी है. तो आपकी अपनी क्वालिटीज कहाँ गई, आपके अपने इंटरेस्ट कहाँ गए? व्हाट आई वांट शुड नॉट, हमें क्या चाहिए क्या नहीं? अगर हम इसी भीड़ चाल में, इसी रैट रेस में घूमते रहेंगे तो हम अपने गोल्स को पहचान ही नहीं पाएंगे. हमें लाइफ में इंटरेस्टेड क्या है, हम क्या चाहते हैं जिंदगी से, और हमें लाइफ में क्या करना है, हमारे हॉबीज क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, और ऐसे ही हम कंफ्यूज रहेंगे. और कंफ्यूज रहोगे तो लाइफ को आके अच्छे ढंग से लीड कैसे करोगे, यही पॉइंट कहना चाहता है. व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, हमें क्या चाहिए, हमें इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होना है. विद टोटल इनएक्टिविटी, इसको बिल्कुल
पूरा इनएक्टिविटी है, टोटल इनएक्टिविटी, थोड़ा सा लाइफ में स्टिल हो जाओ और अपनी क्वालिटीज को पहचानो, अपने इंटरेस्ट को पहचानो. लाइफ इज व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज व्हाट इज अबाउट लाइफ. जिंदगी क्या है, जिंदगी का नाम क्या है, जीना और मरना, टू टेक द बर्थ एंड टू मीट द एंड. क्या जिंदगी है ये? नो. लाइफ क्या है? जन्म लेने के बाद मृत्यु तक, डेथ तक जो आप जर्नी ले करते हो, जिंदगी उसको कहते हैं. और उस जर्नी में आपको भगवान ने कितने रोल्स दिए हैं, आपको एज ए डॉटर निभाने का दिया है, एज ए सन निभाने का दिया है, एज ए स्टूडेंट, एज अ फ्रेंड. आप एज ए स्टूडेंट कैसे अपने टीचर्स के साथ बिहेव करते हो, एक बच्चे हो तो अपने मम्मी पापा के साथ आपका रिलेशन क्या है, अबिंग एटीट्यूड है. एक फ्रेंड कैसे हो, डेडिकेटेड, एक ऑनेस्ट फ्रेंड हो, एक ट्रू फ्रेंड हो. अच्छा, आप लोगों, आप सोसाइटी के लिए ऐसे, इन शॉर्ट ह्यूमन बीइंग कैसे हो, एक गुड ह्यूमन बीइंग हो. हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े साइंटिस्ट बन जाए, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन इससे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक अच्छा इंसान होगा तो वो अपनी लाइफ के साथ, अपने ऑक्यूपेशन के साथ एक ऑनेस्ट रहेगा और एक अपने रोल को बहुत अच्छे ढंग से जस्टिफाई करेगा. तो हमें सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे ढंग से मेंटअप करना है, एक अच्छा इंसान बन के जीना है, तभी हम अपने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और अपनी लाइफ को स्मूथ बना पाएंगे और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन पाएंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट रेंजर. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स गोइंग, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है. कि जिंदगी का नाम क्या है? चलने का नाम है. नेचर में बहुत, हमारे आसपास सब कुछ होता रहता है, कोई मरता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, लेकिन जिंदगी चलती रहती है, नेचर चलती रहती है. जिंदगी का नाम स्टैंड स्टिल नहीं है, थमना नहीं है, जिंदगी का नाम चलना है. तो हमें उसी यहाँ कह रहा है पॉइंट कि हमें सिंगल, अब वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, मैंने ये कर लूँ मैं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है. हमें सेल्फलेस एटीट्यूड रखना है, और अगर हमें सेल्फलेस एटीट्यूड रखेंगे तो हम अपनी और दूसरों की लाइफ को प्रॉस्पेरिटी से भर देंगे और जिंदगी चलती रहेगी. फॉर वंस को डू नथिंग, एक बार कुछ मत करो, प्रिहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, उस खामोशी में बैठ जाओ ताकि हम अपनी उदासी को, हम अपने जीवन के खालीपन को देख सकें, जीवन में जो उदासी भर गई है, लाइफ में जो सैडनेस है उसको देख सकें, उसकी रूट तक जाएं. जब हम उस रूट तक जाएंगे तो हम अपने आप को अच्छे, एक नए जोश के साथ, एक नए जील के साथ सबके सामने बाहर लेकर आएंगे. और जब हम एक दूसरे के, हम सबके सामने बाहर आ जाएंगे और उसी जोश के साथ काम करेंगे, उसी यूनिवर्सल ब्रदरहुड के साथ काम करेंगे, तो हम अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ प्रोस्पायर कर देंगे और इस पूरी नेचर को जीवन जीने योग्य बना देंगे, जहाँ कोई एक दूसरे की तरह, एक दूसरे के साथ रैट रेस की भावना से, हेटेड की भावना से आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड से आगे बढ़ेगा. सो कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर. प्रिहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, धरती हमें शायद कुछ सिखाती है और हमें धरती से कुछ सीखना चाहिए. धरती का क्या नाम है? गिविंग एटीट्यूड. और अगर हमने अपनी लाइफ में गिविंग एटीट्यूड नहीं रखा, लेते रहे, सेल्फिश एटीट्यूड रखा, सेल्फलेस एटीट्यूड, धरती क्या है? सेल्फलेस है, प्योर सेल्फलेस है. हमें भी अपने आप को सेल्फलेस बनाना है, गिविंग एटीट्यूड रखना है. वो हमेशा प्यार देती रहती है, हमें भी उसी तरह प्यार देते रहना है एंड लेटर, और अपने आप को प्रूव करना है उसी जोश के साथ कि जिंदगी जीने का नाम है और जिंदगी दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन बन जाए. हमारा, हमारी लाइफ, हमारी जीवन दूसरों के लिए मोटिवेशन बन जाए. हमें इस तरह आगे ले आना है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12. अब हम 12 तक गिनेंगे. मैंने 12 तक गिनने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि हमारे दिन में क्लॉक भी पूरे उसी 12 घंटे की सुइयों के साथ चलती रहती है. हमारे मंथ, हमारे ईयर्स भी 12 हैं, तो हमें 12 तक गिनना, ताकि हम मोर ओवर, हम अब गुस्सा हो जाते हैं तो शांत में हम धीरे धीरे होते हैं. 1, 2, 3, तो इसी तरह 12 तक गिनना है और शांत रहना है.
एंड आई विल गो। यहाँ पॉइंट कह रहा है मेरा ये पॉइंट, मेरी ये पॉइंट जो है आपके साथ, मैं इस पोएम के थ्रू आपके साथ इंटरेक्ट हुआ हूँ, आपसे मिला हूँ। मेरे इस पोएम के खत्म होने के बाद मैं ये होप करता हूँ आपको, मेरी ये पोएम आपको मोटिवेशन लाए, जिंदगी जीवन जीने का एक नया नजरिया, एक नया तरीका लेकर आए, एक जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया लेके आए, ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनकर रहे। सो आई होप ये पूरी पोएम आपको समझ में आएगी और आपकी भी लाइफ बदल जाएगी, अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। सो हैव ए गुड डे।